संजय जी, बात करें फिरौती की, कई दिनों से क्लाइमेक्स चला है, एक हफ्ते से शूटिंग चल रही है, सुनने में आ रहा है बड़े अच्छे भावे पैमाने में फिल्म की शूटिंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे फिरौती फिल्म से? फिरौती फिल्म काफ़ी अच्छे पैमाने पर बन रही है, इसका स्क्रिप्ट जो है बहुत अच्छे लेवल पर लिखी गई है और शूट भी उसी तरह से हो रहा है, काफ़ी ग्रैंजर हो रहा है इस पर। आज क्लाइमैक्स का चौथा दिन है, आज जाके क्लाइमैक्स हमारा पूरा हुआ है और अष्टभुजा रोड पे ये एक भूताहा महल है, वहाँ पे डाक बंगला भी इसे बोलते हैं, गोपाल निकेतन है, और यहीं पे हमारा क्लाइमैक्स कंप्लीट हुआ है आज चौथे दिन जो है। आप जैसे कि इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए हैं, तो आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार इसमें इंस्पेक्टर अमित यादव का है। फिल्म में कहानी के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो पुलिस थाने में जो हमसे पूर्व के जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हैं, वो लोग नेता के साथ मिल करके बहुत सारा आतंक फैला रखे हैं और उसी में किडनैपिंग हो जाती है हीरोइन की और उसका मामला सुलझता नहीं है, तो मुझे एसपी साहब खास मुझे बुलाते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वही मैं जांच करने के लिए आया हूं मैं। तो आप आते हैं तो और प्यार में पड़ जाते हैं आपके के साथ, सुने आप हाँ ये तो नहीं, वो तो देखिए ड्यूटी करते करते थोड़ा बहुत रिलैक्स प्यार किया नहीं हो जाता है, तो ये हमें जो है थाने में ही टकराती हैं प्रतिभा पांडे और उनकी खूबसूरती देख के मैं थोड़ा मोहित हो जाता हूँ और फिर प्यार का सिलसिला भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। ऑफ कैमरा प्यार होता है, ऑन कैमरा भी? नहीं नहीं, ऑन कैमरा ही प्यार है ये। रील वाला है, रियल वाला नहीं है। इनका प्यार ऐसे ही नई नई हीरोइनों के साथ दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही बढ़ता रहे, वही अच्छी बात है। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम जो है इन पर इतने लोग फिदा हैं कि जो सब लेके अपने अपना पिक खिंचाना चाहते हैं, और इस फिल्म में ये रजनीकांत स्टाइल में नहीं है, वो रजनीकांत लगते ही ऐसा लगता है रजनीकांत का फोटो कॉपी है जो है बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूँ कि वो ऐसे ही रजनीकांत स्टाइल में उन करेक्टर करते रहे और ऐसे ही बनते रहे और तमाम नई नई हीरोइनियाँ जो है इनके आगे पीछे घूमती रहें। करेक्टर क्या है मैडम? मुझे खुद नहीं पता। मेरा करेक्टर तो ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, जैसा कि डायरेक्टर सर ने बताया कि बहुत अच्छा करेक्टर है, मैं मंत्री की एक पत्नी का करेक्टर कर रही हूँ जिसमें उसकी बेटी का किडनैप हो जाता है और वो अपने पति से ऐसा बोलती है कि आप मंत्री होकर भी बेटी को नहीं ढूंढ पा रही हैं तो आप फोर्स लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, तो थोड़ा सा इमोशनल भी है और थोड़ा सा पति के ऊपर जो एक पत्नी हक जमाती नहीं कि अगर पति मान लो इंस्पेक्टर है तो वो सोचती है मैं इससे बड़ी इंस्पेक्टर हूँ, तो थोड़ा ऐसा ही है कि मंत्री है तो सोचती है कि मंत्री है तो सारे मतलब पूरे स्टेट को ही उसने खरीद लिया और जो चाहे वो कर सकता है, कुछ इस टाइप का करेक्टर है। अपने बेटियों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान रहती है कि मेरी बेटी किडनैप हो गई है तो इसके लिए मैं क्या करूं। विंध्याचल में बैक टू बैक आप ढेर सारी फिल्मों की शूटिंग कर चुके? हाँ, ये तो मैं माता रानी की कृपा कर कहूँगी और इस समय मैं अष्टभुजा माँ जो है मैं उन्हीं के आसपास ही मंदिर है मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ और उनकी कृपा है कि बैक टू बैक मैं फिल्में एज ए प्रोड्यूसर भी कर रही हूँ और एक्ट्रेस मैंने 4-5 फिल्में छोड़ी हैं जो इतनी व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट मूवी मैं गौरव झा के साथ कर रही हूँ जिसका 5 अप्रैल से मेरा शूट मेरा शेड्यूलिंग लगा हुआ है कानपुर में जो है, और इसके बाद एक नेक्स्ट मूवी है जो मैं ये अपनी करूँगी जो है मई में जो मैंने ऐलान किया है विद्रोही का, और इसके बाद मैं काठमांडू में मैं प्रेम दीवाना वो उसके बाद वो मूवी, तो अभी इतनी मतलब इस ऐसा शेड्यूल व्यस्तता का है, आगे धीरे धीरे चलता रहेगा। और मई में मेरी जो फर्स्ट मूवी थी एज ए प्रोड्यूसर दूल्हा बिकता है वो रिलीज़ भी करूँगी और साथ में मैं सारे अपने दर्शकों से ये भी कहूँगी कि उस फिल्म को देखें, बहुत ही अच्छी बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और आप उसे देखें अपना प्यार और स्नेह दें जिससे कि हमारा हौसला और आगे बढ़ता रहे कि हम आगे और नई नई फिल्में करते रहें। धन्यवाद। जी एक करेक्टर है जो आदमी को जो सौंपा जाता है, जैसे डायरेक्टर साहब ने मुझे सौंपा है कि भाई आपको ये रोल भी करना है, उस हिसाब से मैं रोल के हिसाब से उतरा हूँ मैदान में और जो भी मुझे सौंपा गया मैं वो अच्छी तरह से निभाऊंगा, बस मेरी यही एक प्रार्थना है आप लोग से। फिरौती फिल्म की शूटिंग कैसे चल रही है? बहुत अच्छा चल रहा है,
और फिरौती फिल्म का मुझे सब जितने कलाकार हैं सब अच्छे लगे, और मैं हार्दिक से उनका स्वागत करता हूं और करूंगा हर वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रमोद जी भी हैं फिरौती में। प्रमोद जी आप फिरौती के सेट में आए हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी अक्षय यादव जी ने मुझे भी एक बहुत सुनहरा मौका दिया है, मिथिलेश अविनाश जी डायरेक्टर ने, एक इसमें मैं भी एक किरदार अदा कर रहा हूँ जो कि मेरी पत्नी किडनैप हो जाती है। हालांकि फिरौती जैसा कि टाइटल है उसी के हिसाब से फिरौती मांगा जाता है, और मैं एक असहाय सा उनके सामने दम तोड़ता हूँ, मेरी हत्या होती है, बाकी मेरे पत्नी को उठा लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप फिल्म देखेंगे और उसे महसूस करेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि ऐसा निजी जीवन में होता है। वो उसी बेस पे पूरी फिल्म है फिरौती की, किडनैप करके कैसे फिरौती की डिमांड की जाती है। जी फिल्म में भी प्रोड्यूस किए हैं कई, इसके बाद भी आप एक्टिंग करते हैं। जी अभी तो विशेष तौर पे मैं सिर्फ एक्टिंग के लिए ही तैयारी कर रहा हूँ। हालांकि प्रोड्यूस या फाइनेंस करवाना ये तो हेल्प करना ये तो हर इंसान का एक फ़र्ज होता है, इसलिए मैं वो तो हमेशा करता रहूँगा, लेकिन एज एन एक कलाकार मैं अपने आप को जो भी है उसे करता रहूँगा। आपका भी धन्यवाद राम यादव जी, थैंक यू वेरी मच।